हाय गाइस। तो यार अभी मैंने थोड़ी देर पहले अपने कम्युनिटी टैब पे एक पोस्ट डाला था भालू का। तो आप में से कई लोग बोल रहे थे कि भाई हमको भालू की एक सोलो वीडियो बना के दिखाओ जिसमें हमको लेंथ वगैरह भालू की पास से देखे, है ना। काफ़ी सारे मैसेजेस मेरे पास व्हाट्सएप पे आ रहे थे, तो मुझे लगा हाँ यार बिल्कुल एक वीडियो भालू की सोलो भी बनानी चाहिए। काफ़ी दिन हो गए, काफ़ी दिन पहले, काफ़ी इनफैक्ट महीनों पहले मैं वीडियो सोलो बनाता था भालू की। तो आज मैं अभी तक जितनी भी वीडियोज़ डाल रहा हूँ उनमें दौड़ती भागती रहती है, तो उनमें शायद आपको लेंथ अच्छे से दिखती नहीं है। तो अभी फिलहाल एसी में ये सब सो रहे हैं, तो आपको लेंथ अच्छे से दिख जाएगी। तो गाइज अभी हमारे साथ है स्नोई, देख रहे हो हमारी फर बॉल, चेरी चेरी लासा एप्सो है हमारी, है ना। छोटू जैसा था ना वैसे ही सेम चेरी भी है, लेकिन छोटू अभी 2 मंथ्स का था एंड छोटू तो अभी घर पे है नहीं, वो तो चाचा के यहाँ जा चुका है। चेरी है अपने पास, तो चेरी 6.5 मंथ्स ओल्ड अभी, लेकिन हम चेरी पे बात नहीं करेंगे अभी। फिलहाल हमारी वीडियो है भालू की एंड हमारे साथ कोई और भी सो रहा है। ये है कौन यार, ये कौन सा डॉग है आप जानते हो क्या? देखें यार कौन सा डॉग है, पता नहीं यार कौन सा डॉग है। नहीं गाइज मजाक कर रहा हूँ, आप लोगों को भी समझ में आ गया होगा, वो ब्लैक जीएसडी अपनी शेरनी। तो गाइज अभी शेरनी पे बात नहीं करेंगे, शेरनी को मैं जिस दिन आपको वीडियो में दिखाऊंगा ना, प्रॉमिस मी, प्रॉमिस आई प्रॉमिस यू गाइस, ट्रस्ट मी, उसके इतने ही बड़े बाल होने वाले हैं, ठीक है। जितने बड़े बाल भालू के हैं ना, उसके इतने ही बड़े बाल होंगे जिस दिन मैं आपको दिखाऊंगा, तो ठीक है। तो वो दिन आने में अभी थोड़ा टाइम है, बिकॉज शी वो बच्ची है, बहुत छोटी बच्ची है। भालू भी अभी बहुत ही क्या मैं बोलूँ, 1 साल कुछ मंथ्स की है, अभी 2 साल की कंप्लीट हुई नहीं है। इस साल नवंबर में जाके भालू, नवंबर एंड में जाके भालू हो जाएगी 2 ईयर्स ओल्ड। तो अभी तो भालू के बाल वाल काफी बढ़ते हैं, काफी ग्रोथ होनी है, 3-4 साल तक तो ग्रोथ होती ही है, मतलब वेट इन, वेट इन टर्म्स ऑफ वेट एंड हेयर्स एंड ऑल। लॉन्ग कोट जो पूरा निखर के आता है वो 3, 3.5 साल 4 साल पे एकदम निखर के आता है, ठीक है। तो अभी फिलहाल के हिसाब से भालू, मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगा कि कितनी ग्रूमिंग की जरूरत पड़ती है, ठीक है, कौन कौन सी कॉम्ब्स मैं यूज करता हूँ, भालू की लेंथ कितनी है ना, ऐसी कुछ चीजें जो आप मुझसे ज्यादातर पूछते रहते हो, ठीक है। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो यार टेल की, आप बालों की लेंथ देख लो, है ना। ये स्नोई सो रही है एंड स्नोई के भी बाल बाल काट दिए हैं यार, क्योंकि बहुत ज्यादा बड़े हो गए थे एंड थोड़ा मुश्किल हो जा रहा था, है ना। मेरे लिए नहीं, उसके लिए, क्योंकि उसकी आईज वगैरह पे बाल आ रहे थे ना, तो फिर थोड़ा ट्रिम कर दिए हैं बाल, है ना। तो लेकिन आप देख सकते हो एक चीज कि जितनी स्पेस में स्नोई है ना, उतनी स्पेस तो भालू की टेल ही ले ले रही है। मैं अगर आपको अंदाजा दूं तो ये देखो, मैं ऐसे पूरा हाथ अपना स्ट्रेच कर रहा हूं, ठीक है, पूरा हाथ, एंड पूरे हाथ से भी मैं उसकी देख रहे हो टेल को कवर नहीं कर पा रहा हूँ, उसके टेल। एंड ये तो बस ऐसे ही बाल रखे हुए हैं, अगर इनको स्ट्रेच कर दिया जाए ना, अगर इनको स्ट्रेच कर दिया जाए तो ये बहुत लंबे बाल हैं, ठीक है। ये तो बाल ऐसे ही रखे हुए हैं बस, ये देख रहे हो स्ट्रेच करने के बाद, अगर मैं ऐसे करूं, अगर मैं ऐसे स्ट्रेच करने के बाद रखूं तो मेरा हाथ के तक कम जा पा रहा है, और ये वाले बाल भी अगर मैं स्ट्रेच कर दूं तो सोचो कितने लंबे बाल हैं, ठीक है। तो कुछ अंदाजा लग गया होगा आपको। बात करते हैं यार इसके हिप्स वाले बाल की, हिप्स वाले बाल की लेंथ तो आपको दिख ही रही है कितने बड़ी है ना। तो मुझे नहीं लगता मुझे ज्यादा इसमें आपको कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे तो नॉर्मली ज्यादातर जो जीएसडीज होते हैं उनके हिप्स पे उनके बड़े बाल होते ही हैं, टेल पे भी होते ही हैं, ठीक है। बाल जो ज्यादातर जीएसडीज होते हैं, लॉन्ग कोट जो लोग बताते हैं, जिनके असलियत में एक्चुअली में होते नहीं है लॉन्ग कोट, वो मीडियम कोट्स होते हैं, उनके डॉग्स में कहाँ कहाँ हेयर लेंथ कम रहती है, वो रहती है पेट पे। अब देखो भालू के जो बाल हैं दबे हुए हैं, से निकाल देता हूँ, ठीक है। तो ये गाइस आप देख रहे हो, ये हेयर लेंथ है ना, आप देख रहे हो कैसे बह बह के आ रहे हैं ये, है ना। एंड ये कोई यहां से नहीं स्टार्ट हुए हैं, ये यहां से स्टार्ट हुए हैं, दिख रहा है आपको, यहां से मैंने उंगली लगाई और जमीन पे पहुंच गई, मतलब समझ जाओ ये यहां से पूरे पूरे बाल हैं ये सब, ये दिख रहा है आपको। एंड ये मतलब ये समझ जाओ इतने लंबे लंबे बाल हैं, ये भी लेटी हुई है ना, तो ये देखो दिख रहा है आपको, ये सब सिर्फ बाल हैं। तो ये जो लेंथ है ना, ये डिफरेंशिएट करती है एक असली लॉन्ग कोट को, एक जो मीडियम कोट के जीएसडीज को, जिनको आजकल लोग लॉन्ग कोट बताते रहते हैं उनसे, ठीक है। ये हो गए हमारे पॉ पे बाल, ठीक है। तो यार मेल्स में तो इतने बड़े बाल करना इज वेरी इजी, मेल्स में हो जाते हैं यार, मेल्स के बाल होते भी बड़े हैं एंड मेल्स में हीट वगैरह आती नहीं है, तो उतनी ज्यादा शेडिंग नहीं होती। फीमेल में जब जब हीट वगैरह आती है तो काफी ज्यादा शेडिंग होती है एंड
फीमेल के बाल होते भी थोड़ा छोटे हैं ना मेल से। तो ये हैं अपने भालू के पाँव के बाल, है ना। तो आप देख सकते हो काफी अच्छे खासे बाल हैं, ठीक है, ये देख रहे हो आप, है ना। अकेला एक्चुअली में शूट करना एंड अकेले बाल दिखाना इज अ लिटिल डिफिकल्ट। नेक्स्ट टाइम आई शूट विथ सम असिस्टेंस और सम हेल्प, तो मैं आपको और अच्छे से बाल दिखा पाऊंगा। तो ये हैं अपने भालू के आगे वाले पॉ के जो पीछे बाल होते हैं वो, आप देख सकते हो कितनी लेंथ है इनकी, है ना। एंड भालू के बाल यार इतने डेंस हो चुके हैं, इतने डेंस हो चुके हैं कि अगर मैं आपको ईयर के पीछे के बाल दिखाऊंगा ना, देख रहे हो अपनी बब्बर शेर को, है ना, देख रहे हो उसकी टेल, अब तो इतने ज्यादा डेंस हो चुके हैं कि अगर मैं आपको इसके ईयर के पीछे के बाल दिखाऊंगा ना, तो वो आपको नेक के ही बाल लगेंगे। लेकिन एज यू नो, अगर आप मेरी वीडियोस काफी टाइम से देखते आ रहे हो तो आपको पता होगा कि मुझे लॉन्ग कोट जीएसडीज में माई फेवरेट वंस आर जिनके कान के पीछे बाल होते हैं, वो मुझे थोड़ा ज्यादा खूबसूरत लगते हैं यार। ये मेरा पर्सनल प्रेफरेंस है। तो मुझे तो वैसे भी ऐसा लगता है कि यार जो असली लॉन्ग कोट्स होते हैं ना, जो एकदम रियल लॉन्ग कोट्स जिनको बोला जा सकता है, उनके ईयर के पीछे जरूर बाल होने चाहिए। अगर उनके ईयर के पीछे बाल नहीं होते तो फिर मुझे वो बहुत ज्यादा लॉन्ग कोट नहीं लगते यार। मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत ही अच्छे से ग्रूम्ड और बहुत ही बढ़िया से फीड पे रखे हुए मीडियम कोट्स के डॉग होते हैं। तो ये बस मेरी थिंकिंग है, मुझे नहीं पता आप क्या सोचते हो इसके बारे में, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना अगर इफ यू थिंक आई एम रॉन्ग। तो गाइस ये देखो, ठीक है, ये हैं इसके कान के पीछे के बाल, देख रहे हो आप कितने बड़े बड़े बाल हैं, है ना, ये देख रहे हो आप, ये कान के पीछे के बाल कितने लेंथ है इनकी। तो चलो वापस से जाते हैं आगे यार, है ना, ये देखिए बालू, अभी तो वो सोएगी आराम से। हाँ तुम उठ जाओ, ये छोटी है ना तो वो उठ गई, वो भी अंगड़ाई ले रही है वहां पे, है ना। भालू लो, भालू लो बेटा, ले भालू ले ले, देख रहे हो अपनी बब्बर शेर को। तो गाइज बात कर लेते हैं कॉम्ब्स की। मैंने बताया था ना कि मैं आपको बताऊंगा कि मैं कौन सी कॉम्ब्स यूज करता हूँ। तो सबसे पहले गाइज बात कर लेते हैं, अगर आपके डॉग की शेडिंग हो रही है तो दिस वन इज द बेस्ट कॉम्ब फॉर यू। अगर शेडिंग हो रही है तो इसका काम क्या होता है ना, इसमें पीछे एक बटन होता है, आप इस बटन को दबाइए एंड इसको आगे करिए, ठीक है। जैसे आप इसको आगे करोगे ये स्पाइक्स जैसे आपके निकल जाएंगे एंड आपको अपने डॉग पे बस इसको प्यार से ऐसे फिरा देना है पूरे डॉग पे, ठीक है। तो आप जब फिराओगे ना, तो अभी भालू के तो उतने बाल नहीं निकलेंगे, देखो ये साफ सी है, क्योंकि भालू की कॉम्बिंग होती रहती है यार, है ना। पहले तो गाइज मैं इतनी ग्रूमिंग पे ध्यान नहीं दे पाता था, ठीक है, पहले लॉकडाउन नहीं था, लेकिन जब से लॉकडाउन है तब से मैंने काफी ध्यान दिया है, तो मेरी बच्ची तो बब्बर शेर लगती है भाई, है ना। तो इसीलिए इसके तो अभी फिलहाल बाल नहीं निकलेंगे, लेकिन अगर आपके पास ये कोम्ब है एंड अगर आपका डॉग शेडिंग पे है ना, तो आप उसके बालों पे जब करोगे ना ये वाली कोम्ब, तो ये पूरी भर जाएगी बालों से। एंड उसके बाद आपको क्या करना है, डस्टबिन के ऊपर जाना है, इस बटन को वापस दबाना है एंड इनको वापस रिट्रैक्ट कर लेना है। तो जितने बाल होंगे ना ये सब डस्टबिन में गिर जाएंगे। देखो अगर मैं गौर से इस पे देखूं तो थोड़े बहुत शायद बाल निकले हैं बालों के, हल्के फुल्के दिख रहे हैं आपको, बहुत ही हल्के फुल्के, है ना। तो बस इतने ही बाल टूट रहे हैं फिलहाल तो भालू के। एंड कई बार क्या होता है यार, जैसे ये तो शेडिंग के लिए है आपके, ये सिर्फ जीएसडीज के लिए नहीं, ये लैब्राडोर्स आपका जो भी है, कितना भी शॉर्ट कोट का डॉग हो, ये निकले हैं बाल देखो, है ना। जितना भी शॉर्ट कोट का आपका डॉग हो उनके लिए बेस्ट कॉम्ब है। कहाँ गया, चलो बाद में डस्टबिन में डाल दूंगा, है ना। तो ये आपका बेस्ट कॉम्ब है अगर आपके घर पर डॉग की शेडिंग हो रही है। तो देख उठ गई भालू, गुड गर्ल, गुड गर्ल, गुड गर्ल, है ना, दिख रहा है आपको कितनी, ये देखो मेरी गोद में आएगी, हाँ सो जा, ये हमारी शानदार बच्ची है ना। वो देखो टेल वो हिला रही थी तो स्नोई के बाल उड़ रहे थे उसकी हवा से। हाँ उठ गई, तुम तो हाँफने लगे बच्चा, उठ के हाँ सो जाओ, गर्मी थोड़ी है, एसी चल रहा है बेबी, एसी चल रहा है, हाँ सो जाओ। ये देख रहे हो इतनी देर से सो रही थी, सो रही थी, सो रही थी, अच्छा ये उठ गई, अब इसको सुसु सु आ रही होगी ना, इसीलिए हाँ फ्री। तो गाइस जल्दी से वाइंड अप करते हैं वीडियो, फिर मुझे अपनी बच्ची को टहलाने ले जाना पड़ेगा, है ना बेबी, गुड गर्ल, गुड गर्ल, उठ गया, नींद खुल गई बच्चे की, तो कोई नहीं। तो गाइस सेकेंड चीज जो जीएसडी इसमें बहुत होती है,
अगर आप ग्रूमिंग नहीं कर रहे हो तो मेरे साथ पहले बहुत होती थी गाइस, है ना, जो सच बात है वो यही यार, मेरे साथ भी पहले बहुत होती थी गाइस। कई बार क्या होता है ना कि जो हमारा ऊपर का कोट होता है वो तो बहुत साफ दिख रहा होता है, बड़े बड़े बाल शाइन कर रहे होते हैं, सब कर रहा होता है, लेकिन जो अंदर के बाल होते हैं वो इतने डेंस होते हैं, इतने डेंस होते हैं, वो हल्के हल्के ना उलझने लगते हैं। तो उसको सही करने के लिए ना दिस वन इज योर बेस्ट फ्रेंड, ठीक है। ये कोम मुझे इतनी अच्छी लगती है ना, इतनी अच्छी मुझे कोई कोम नहीं लगती यार। तो अंदर के जो एकदम डेंस बाल होते हैं ना, वो अगर हल्के फुल्के भी उलझ रहे हैं ना, तो ये एकदम क्लियर कर देगी, सारी जो उलझे हुए बाल है ना उनको ये बाहर निकाल देगी। चाहे जितने भी आपको साफ बाल दिख रहे हो, थोड़े बहुत तो जरूर उलझ रहे होते हैं अंदर के बाल। एंड वो जो बाल होते हैं ना यार, वो मेन कल्प्रिट है आपके डॉग के बाल की ग्रोथ रोकने के लिए, ठीक है। उनको निकाल दो, आपके डॉग के बाल हमेशा अच्छे से ग्रो करते रहेंगे, हमेशा कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो ये देखो, ये थोड़े बहुत बाल निकल रहे हैं ना, ये देख लो आप कितने ज्यादा बाल निकले इधर, है ना, इधर से पता नहीं चला था लेकिन इधर देखो कितने बाल निकले। तो ये सब वो बाल हैं जो कोट के अंदर अंदर उलझे हुए हैं, है ना। तो ये आप हमेशा निकालते रहो, फ्रिक्वेंटली निकालते रहो। आपका जो भी डॉग है, आपका अगर लॉन्ग कोट है तो भालू जैसा होगा, और इंशाल्लाह भालू से भी बहुत सुंदर जाएगा वो, ठीक है। तो ये सारे बाल आप फिर ऐसे निकाल के डस्टबिन में फेंक सकते हो। एंड यार, इस कोम के और भी प्लस पॉइंट हैं यार, ये मेटालिक है। सबसे बड़ी चीज़ तो ये कि देखो भाई, मेटालिक है ना। आपके जैसे मेरी ये जो कोम्ब है, इसको देखो चबाया हुआ है इधर से मेरे छोटे बच्चों ने ये सब, ठीक है। काफी पुरानी कोम्ब है ये, काम बहुत अच्छा कर रही है अभी भी, लेकिन देखो कितना चबा रखा है, ठीक है। इसको यार ये सीन, ये भाई मेटालिक है, इसको कहाँ से चबाएंगे, है ना। अगर मान लो ये वाली चीज चबा के उन्होंने हटा भी दी, तब भी आपके पास मेटालिक वाला पोर्शन तो पूरा बचेगा ही, अंदर से भी जो निकलेगा, तो आपकी कोम्ब सलामत रहती है। एंड इसमें भी अगर आपको मिल पाए तो एक कोम्ब आती है, उसमें हैंडल नहीं होता है, वो पूरी इतनी ही बड़ी होती है एंड वो पूरी मेटालिक होती है ना। तो अगर आपको वो मिल पाए तो आप उसको फर्स्ट प्रेफरेंस देना, क्योंकि वो तो इनडिस्ट्रक्टेबल है ना, उसको कभी कुछ हो गई नहीं। एंड ये इतना अच्छा काम करती है गाइस, ट्रस्ट मी, इस कंकोम को एक बार यूज करके देखो अपने जीएसडीज के ऊपर, उनका कोट इससे जब आप क्लेंस करोगे ना, जब वो अच्छे से साफ रहेगा, बिल्कुल उलझन नहीं रहेगी उसके अंदर, बिल्कुल भी उलझा हुआ बाल नहीं रहेंगे, तो आप देखो कि आपके बाल इतने अच्छे ग्रो करेंगे ना आपके बच्चे के, यूज कहने को नहीं। थोड़ा शांत हो गई है ना, सो गई, देखो चीज बोलू भालू चलो सो गए, अब तो गहरी नींद में फिर से, है ना। अभी उठ गई, उठ गई भालू। हाँ हाँ बेटा, अब ये गाइस उठ रही है तो मुझे इसको टहलाने जाना चाहिए, है ना। ये जो हाँफ रही है इसका मतलब यही है कि भैया आप सुसु आ रही है, तुम कंट्रोल करवा रहे हो, है ना। तो चलो गाइस, बाय बाय, मैं ये वीडियो यहीं बंद कर देता हूँ। मेरे को बताना कि वीडियो कैसी थी। एंड ये दो कॉम्ब्स मैंने आपको बताई शेडिंग के लिए, ये अगर बाल उलझे वाले हैं तो ये दोनों ही एक दूसरे को रिप्लेस नहीं कर सकती गाइस। तो अगर आपके डॉग को शेडिंग हो रही है तो ये ज़रूर लें, और नॉर्मली ये बहुत अच्छी कॉम्ब है, तो दोनों ही लें अगर आप को आप मतलब ले सकते हैं, है ना। तो दोनों ही लें। अगर आप स्टूडेंट हैं, आपके पास बजट की कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम है, पॉकेट मनी पे आपने डॉग पाला हुआ है, आप फिलहाल एक ही कोम्ब ले सकते हैं, तो मैं कहूँगा ये वाली लो यार, है ना, ये ज़्यादा सही है मेरे अकॉर्डिंग। तो यही थी गाइज आज की छोटी सी वीडियो। बाद बाकी यार और क्वेश्चंस अगर आपके हों तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना लॉन्ग कोट के रिगार्डिंग, मैं उनको भी आपको ज़रूर टारगेट करने की कोशिश करूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय गाइस, एंड ज़रूर बताना कि भालू आपको कैसी लगी, एंड इसको सच में बहुत तेज सुसु आई है, तो मैं जा रहा हूँ। बाय 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 बाय, टेक केयर, बाय बाय।